नमस्कार। अंदर की बात के साथ मैं हूं अनवी। कर्नाटक राजनीति की बड़ी खबर सामने आई। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार सोमवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस पहुंचे, पार्टी ज्वाइन कर ली। विधानसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज होने पर उन्होंने बीते रविवार को ही विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। क्या थी वजह, क्या था शेट्टार का बीजेपी पक्ष छोड़ने का दर्द, देखते हैं अंदर की बात में स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार सोमवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे। तो एक सीनियर लीडर हमारे को बीजेपी से अपने स्वाभिमान को जब धक्का हुआ तो वो आ गए हैं, तो उनका स्वागत मैं कर रहा हूँ और उनके आने से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ नेता के रूप में मेरे अपमान को कोई नहीं समझ पाया। मैंने बीजेपी पार्टी बनाई, बीजेपी ने मुझे सम्मान पद और कद दिया है। मैंने भी पार्टी को बनाकर वह सब लौटाया है। मैं हुबाली धारवाड़ से छठी बार 20 से 25,000 वोटों से जीता हूं। मैं अब वहां सातवीं बार जा रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं। उन्हें सियासत विरासत में मिली है। शेट्टार के पिता एसएस शेट्टार हुबली धारवाड़ के मेयर रहे हैं। इसके अलावा उनके भाई एमएलसी और चाचा विधायक है। इस तरह से शेट्टार परिवार की हुबली धारवाड़ इलाके में मजबूत पकड़ है। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों शेट्टार ने बीजेपी से कहा था कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो इसका असर राज्य के अलावा उत्तर कर्नाटक की 20 से 25 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। शेट्टार अपने 5 दशक के राजनीतिक सफर में मंत्री से लेकर सीएम रहे, लेकिन राजनीतिक जीवन में कोई दाग नहीं लगा है। कर्नाटक की सियासत में इतने लंबी पारी में भ्रष्टाचार के आरोपों से बचे रहना अपने आप में बड़ी बात है। वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, एक नया अध्याय, एक नया इतिहास, एक नई शुरुआत। बीजेपी के पूर्व सीएम, पूर्व भाजपा अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, 6 बार विधायक श्री जगदीश शेट्टार आज कांग्रेस परिवार में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट।